साथियों, आज ई कक्षा में हम दसवीं कक्षा के हिंदी विषय के पहले पाठ भारत महिमा पर चर्चा करेंगे। भारत महिमा ये पहली कविता है। इस कविता के रचनाकार हैं, कवि हैं, मूर्धन्य कवि जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवियों में प्रमुख हैं, इसके स्तंभ हैं। जैसा कि इसके शीर्षक से पता चलता है, भारत महिमा। महिमा का मतलब है महत्व, महत्ता। तो भारत के क्या क्या महत्व हैं, भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको जयशंकर प्रसाद जी ने उद्धृत किया है। और इसके प्राकृतिक आकर्षण, ऐतिहासिक घटनाएं, दानशीलता, सांस्कृतिक गतिविधियां, विश्व गुरुता, परोपकार की भावना, ज्ञान के आलोक से आलोकित राष्ट्र, स्वयं जागृत और इस जागृति को संपूर्ण विश्व में फैलाने का काम जो यहाँ के लोगों ने किया, उसका वर्णन इस कविता में किया हुआ है। पहले मैं पूरी कविता को एक बार पढ़ता हूँ और उसे ध्यान से सुना जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे ही हमें स्पष्ट हो जाती हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीर कहार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ सब नष्ट, अखिल संस्थित हो उठी अशोक, विमल वाणी ने वीड़ा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। विजय लोहे की ही नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरों में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा
इसी के लिए यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारतवर्ष ये जो अंतिम शब्द है इस कविता का, उसके लिए ऊपर जितनी ये पंक्तियाँ कही गई हैं उन पंक्तियों में भारत की विविधता के साथ साथ उनके गुणों का कसीदा कसा गया है, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। पहली दो पंक्तियाँ देखिए क्या कह रही हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, प्राकृतिक वर्णन, प्रकृति का वर्णन किया हुआ है। हिमालय का आंगन है, हिमालय एक दीवाल है, हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत भारत की सुरक्षा के लिए एक दीवाल के समान खड़ा है और नीचे भारतवर्ष उसका आंगन है। और सुबह सुबह प्रातः काल उषा, उषा मतलब जिस समय सूर्य की किरणें छिटकना शुरू होती हैं, मतलब सूर्य की किरणें निकलती हैं, उसे हम उषा काल कहते हैं। तो जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पर पड़ती हैं, जो हिम आलय, हिम बर्फ से भरा पड़ा है, और उन पे जब वो किरणें पड़ती हैं तो किरणें कैसे दिखती हैं, हीरों के हार के समान चमकती हैं। उसी को दूसरी पंक्ति में कहा हुआ है, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीर का हार। भारत को सूर्य की निकलने वाली किरणें हंस करके उसका स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं भारत देश का, और उसे हीरों का हार पहनाती हैं। जो अगली पंक्तियां हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम, हमारे अंदर जागृति पैदा हुई, अवेयरनेस, हम लोग पहले स्वयं जागृत हुए, हम लोगों ने ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करना शुरू किया। जागृत हुए हम लगे जगाने विश्व, और उस ज्ञान के प्रकाश से, संस्कृति के प्रकाश से, परंपराओं के प्रकाश से, सभ्यता के प्रकाश से, हमने पूरे विश्व को उस ज्ञान का उपहार दिया। वो ज्ञान हमने चारों तरफ आलोक, लोक में फैला, फिर आलोक, आलोक में इस प्रकाश, ये प्रकाश जो है वह अच्छे गुणों का प्रतीक है। आलोक जो है वह अच्छे गुणों का प्रतीक है। तो हमने पूरे विश्व को, लोक, पूरा विश्व संसार, उसको हमने ज्ञान का प्रकाश दिया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, जब हमने लोगों को ज्ञान दिया तो उस ज्ञान से व्योम, आकाश में जो तम था, जो अंधेरा था, जो अवगुणों का, जो अज्ञानता का अंधेरा था, वह अंधेरा क्या हो गया, नष्ट हो गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, पुंज समूह जो चारों तरफ अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ था वो नष्ट हो गया। अखिल संस्थित हो उठी अशोक, और जब ज्ञान का प्रकाश, जब आलोक फैला तो संस्थित संपूर्ण संसार में एक प्रकाश फैल गया, और उस प्रकाश से हम विश्व गुरु बन गए। हमने सबको जो है ज्ञान दे करके विश्व गुरु बनने का एक उपाधि हासिल की। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, विमल निर्मल, विमल वाणी ने वीणा ली, वाणी का एक अर्थ है सरस्वती,
सरस्वती ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा लिया और वह वीणा किस चीज के लिए, पद यह है कमल कोमल कर, कमल के समान सुंदर हाथ, कर मतलब हाथ, कमल कमल पुष्प, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्रीत प्रेम के साथ सस्नेह भगवती सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा ली। किस चीज के लिए? वीणा के माध्यम से जो संगीत उभरा वह संगीत क्या था? सप्त स्वर, सारे ग म प ध नि स, ये जो कहां उठा? पूरे विश्व में फैल गया। नेक्स्ट लाइन में यह सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सप्त स्वर सारे ग म प, और संपूर्ण विश्व में सात सिंधु हैं, तो ये सप्त सिंधु हैं, इन सिंधुओं में मतलब पूरे विश्व में ये सप्त स्वर फैल गए। माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान का जो पुंज था वो संपूर्ण सप्त सिंधु, सप्त सिंधु हमारे विश्व में सात सिंधु हैं, मतलब संपूर्ण विश्व जो है वह माँ सरस्वती की दी हुई ज्ञान लीला से, ज्ञान से आलोकित होठा भर गया। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रक्षा, धर्म की रही धरा पर धूम। हमने केवल लोहे का अस्त्र शस्त्र ही नहीं बनाया, अपने सुरक्षा के लिए हमने अस्त्र शस्त्र बनाए और उसके साथ साथ क्या, धर्म की रही धरा पर धूम, और हमने हमेशा धर्म का पालन किया। हमारे पूर्वज, हमारे ईश्वर, ये लोग हमेशा धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। मिला था भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर हूँ। सम्राट हमारे देश के जो नृप हैं, सम्राट हैं, राजा हैं, भूपति हैं, नृपति हैं, प्रजापालक हैं, ये भी भिक्षु की तरह घूम घूम कर लोगों को ज्ञान का उपदेश देते थे और लोगों पर दया दिखलाते थे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मोहम्मद गोरी जिसने हमारे देश पर बार बार आक्रमण किया, उसको हमने बंदी बना लिया था, लेकिन उसे छोड़ दिया, उसके ऊपर हमने दया दिखलाई। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन को धर्म का ज्ञान, धार्मिक दृष्टि भारत ने दिया, भारत ने पढ़ाया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, लंका सोने की नगरी, लंका सील की सिंहल को भी सृष्टि। सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री ये दोनों लंका में सिंहल में जाकर के भगवान बुद्ध के जो धर्म थे उसके प्रचार प्रसार के लिए ये लोग वहाँ गए और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ लेकर गए हुए थे, उस पीपल के पेड़ को वहाँ लगा करके और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसी का हमने छीना नहीं, भारत का सिद्धांत है, हमारे देश का सिद्धांत है, किसी को छीनो मत, उसे दो। कभी भी हमने किसी से कुछ छीना नहीं, बल्कि जो कुछ हो सका हमने दिया ही दिया ही दिया ही। प्रकृति का रहा पालना, यही पालना जिसे बच्चे को झुलाते हैं वो पालना है, मतलब हम प्रकृति को बड़े प्यार से सहलाते रहे, दुलाते रहे, उसकी रक्षा करते रहे, उसका पालन पोषण करते रहे। हमारी जन्मभूमि थी यहीं,
कहीं से हम आए थे नहीं। ये जो जन्मभूमि है भारत है, यह हमारी ही जन्मभूमि है। हम कहीं से विस्थापित होकर यहाँ नहीं आए, हम यहीं पैदा हुए, हम यहीं के पुत्र हैं, इसलिए हमारी ये धरती है। हम किसी की धरती पर जाकर के उस पर हम कब्जा नहीं करते, अधिकार नहीं करते, उसको छेकते नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, चरित पूत ये जो है इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। पूत मतलब पवित्र, चरित चरित्र। हमारे यहाँ के लोगों का चरित्र बड़ा पवित्र था, पूत किया हुआ था, पवित्र किया हुआ था। भुजा में शक्ति, यहाँ के लोगों में बाहुओं में शक्ति, और उसके बावजूद नम्रता, विनम्रता, विनय, मॉडेस्टी, लोगों के प्रति स्नेह सम्मान, हमारा बात करने का ढंग, बातों में सहज मृदुता, यहाँ पर ही रही। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय, हमारा जो हृदय है उसके कई भाग हैं, मन चित्त विवेक। तो हम अपने मन पर, अपने चित्त पर, अपने विवेक पर, अपने हृदय पर हमेशा गर्व करते रहे, गर्व करते रहे, गर्व करते रहे। किसी को देख न सके विपन्न, हमारे हृदय में दया का भाव है। विपन्न दरिद्र, गरीबी, दरिद्रता, पावर्टी, हम किसी गरीब को देख नहीं सकते, उसके गरीबी को दूर करने का हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे संचय में था दान, वृक्ष कबौ नै फल भखे नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणा साधुन धरा शरीर। हमारे यहाँ के लोग साधु का रूप क्यों धारण करते हैं? दूसरों को सुख देने के लिए। हमने जो धन भी संचय किया वो दूसरों के लिए, दान के लिए, अपने लिए नहीं। अतिथि ते सदा हमारे देव, अतिथि देवो भव। आज भी संपूर्ण जगत में ये कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अतिथि देवो भव, अतिथि मेहमान, आगंतुक, हमारे घर में ईश्वर के तुल्य, ईश्वर के समान पूजित होता है, सम्मानित होता है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वचन में सत्य, हम कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेते। जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, ये भारत के लोगों की विशेषता है, को सच्चाई का ही बखान करते हैं, बयान करते हैं। हृदय में तेज, तेज ज्ञान का प्रकाश, हृदय में पवित्रता, वो तेज है जहाँ से अंदर से हमेशा अच्छी बातें निकलती हैं, वो हृदय में तेज। प्रतिज्ञा में रहती तेज, जो प्रतिज्ञा करते हैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जब तक उसको पूरा कर नहीं लेते शांति से चैन से बैठते नहीं हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। ये हमारे प्राचीन काल में पाए जाने वाले लोगों में ये विशेषताएं थी। तेज पुंज, हृदय में उदारता, दया भाव, परोपकारिता, दानशीलता, ये पहले के लोगों में भी था और वो वही वैसा ही आज भी है। वही है रक्त, हमारा खून आज वही है। वही है देश, उसमें रहने वाले, देश में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों से परिपूर्ण आज वही भारत है। वही साहस है वैसा ज्ञान, बहादुरी, वीरता, निडरता, साहस आज भी वैसे ही भरा पड़ा है।
और ज्ञान, जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के पास था, वही ज्ञान आज के हमारे आने वाली पीढ़ी में भी दिखाई पड़ता है। वर्तमान भूत में था, वर्तमान में है, और इसी तरह से वह भविष्य में भी चलता चला जाएगा। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम शांति में पहले विश्वास करते थे, आज भी कर रहे हैं। शक्ति जो हमारे अंदर थी वह कम नहीं हुई है, वही शक्ति आज भी है। और दिव्य, अलौकिक, असाधारण, डिवाइन आर्य संतान, हम आर्य पुत्र हैं। आर्य एक नस्ल है और वो यहाँ की मूल संतान है, भारत की मूल संतान है। और आर्यों के अंदर जो गुण हैं वो और लोगों से श्रेष्ठतर हैं। तो आज भी हम भारत के आर्य संतान हैं। इस भारत में जो इतने सारे गुण हैं, उन गुणों से सुसज्जित, विभूषित, अलंकृत जो भारत है, उसी के लिए हम अभी प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं? जिए तो सदा इसी के लिए, जब तक मेरा जीवन रहे वह जीवन इसी भारतवर्ष के लिए रहे, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। और हमेशा अपने देश पर, आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन, मुझे मेरे भारत पर, मेरे देश पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे हिंदुस्तान पर गर्व है। और इसी में हमें खुशी मिली, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सर्वस्व, तन मन धन लगन वदन, जो कुछ भी मेरे पास है, इस भारतवर्ष पर हम संपूर्णता से त्याग दें। ये कविता का तथ्य है। कविता ये कहना चाहती है कि अगर हम भारत के सच्चे सपूत हैं, तो हमें इस भारत की रक्षा के लिए, इसके विकास के लिए, इसके प्रोन्नति के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और अगर इस पर कभी कोई आँच आए, कोई दुश्मन आँख दिखाए, तो उसकी आँख को निकालने के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसको सुरक्षित रखने की हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। इस कविता में ज्ञान है, कौशल है, प्रतिभा है, और इन सब चीज़ों में लयात्मक शब्द आप देख लीजिए, कविता लयात्मक है। उपहार, हार, आलोक, अशोक, पहले दो पेज में है उपहार और हार, दूसरे में है आलोक और अशोक, तीसरे में है सप्रीत संगीत, चौथे में है धूम घूम, दृष्टि सृष्टि, यही नहीं संपन्न विपन्न, देव टेव, ज्ञान संतान, हर्ष वर्ष। अलावा उसके इस कविता में जो सबसे बड़ी चीज है कि भारत के गुणों का वर्णन किया हुआ है। प्राकृतिक पा दिया हुआ है कि सबसे पहले जागृत होने वाला भारत देश, अन्य देशों को ज्ञान का प्रकाश देने वाला। उसके आगे दिया हुआ है माँ सरस्वती, जिनके हाथों में, जिनके कमल रूपी कर में वीड़ा है, और उसमें से जो सप्त स्वर निकलते हैं, उससे जो ज्ञान उद्भूत होता है, उसे संपूर्ण सप्त सिंधु, सात सिंधुओं से बना हुआ यह विश्व, वहाँ संपूर्ण जगत में ज्ञान का प्रकाश वहाँ से प्रस्फुटित हुआ, फैल गया। इस कविता का ये सारांश है। इस पे
मुझे अगर देखने में अच्छी लगती है कविता तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को अच्छी लग रही होगी। ये इसका विश्लेषण था। इसी के साथ इस कविता को यहीं मैं विराम देता हूँ। दूसरे एडिशन में फिर मिलेंगे। नमस्कार।